चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर एंड नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए वहां पर सेगमेंट नहीं था, है ना। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा सिर्फ सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स कैसे दिखते हैं? सेक्टर्स जब हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेक्टर होता है ये वाला पोर्शन, हम इसे कहते हैं सेक्टर, राइट। ये था सेक्टर। अब इस सेक्टर का मतलब जो दो रेडियस को आपस में अगर हम कट कर दे, दो रेडियस निकाल दे, उसका जो बीच का पार्ट है दैट इज सेक्टर। लेकिन ये सेगमेंट तो नहीं है। सेगमेंट क्या चीज है फिर? अगर एक सर्कल में से एक कोण हम निकाल दें तो ये कहलाता है पार्ट माइनर सेगमेंट। ये होता है सेगमेंट, ठीक है। दिस इज माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। ये वाला फॉर्मूला तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसका फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 एंड देन वी हैव पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेजर और माइनर सेगमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? इसे कैलकुलेट करने के लिए हम छोटी सी कैलकुलेशन अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका पहले हम एक सेक्टर देखते हैं, सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में से अगर आप ये ट्रायंगल माइनस कर लेंगे तो क्या हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा? फिर से समझिए, एक ट्रायंगल का ये सेक्टर है और सेगमेंट क्या होता है? सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा सेगमेंट होता है। अगर आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना जानते हैं, पूरे सेक्टर में से अगर आप ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये पूरा, तो क्या मेरे पास सिर्फ सेगमेंट बचे? बिल्कुल बचेगा। तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए। तो क्या फॉर्मूला बना? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बना, मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, शॉर्ट में लिख रही हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ट्राइंगल का एरिया, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? ये जो भी ट्राइंगल यहाँ पर बनेगी, मैं इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करके रेडियस यहाँ पर दिखा देती हूँ, और ये है ओ ए बी। तो ये जो ट्राइंगल बनी ना ओ ए बी, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ट्राइंगल ओ ए बी, राइट। तो ये तो हुआ हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये क्लियर है। तो हमें पता है कि अब जो फर्स्ट पार्ट हमें करना है माइनर सेगमेंट के लिए, हम कौन सी कैलकुलेशन यूज करेंगे? हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, जिसके लिए हम पहले जो मेजर सेक्टर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो फिर अब हमें मेजर सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, अब देखते हैं मेजर सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करें। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? जब ये कोण हमारे पास थी, इसका नीचे का हिस्सा माइनर सेगमेंट है, ये कहलाता है ऊपर का मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें? इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इतना करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम ये छोटा सा पार्ट कट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? मेजर एरिया, है ना, मेजर सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया। तो बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। मेजर सेगमेंट के फॉर्मूले के लिए हम मेंशन कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। कौन है ये पाई आर स्क्वायर? ये है पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल के एरिया में से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं माइनर सेगमेंट। क्लियर है दोनों फॉर्मूले? एक बार फिर से देखें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेक्टर क्या थे, पिछले क्वेश्चंस में हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना आता है। लेकिन सेगमेंट क्या होते हैं? किसी भी सर्कल को अगर हम कोण से अलग कर देते हैं, सर्कल के अंदर एक कोण लगा देते हैं, तो नीचे वाला जो छोटा सा पार्ट बच रहा है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, क्योंकि माइनर है, और जो ऊपर वाला हिस्सा बचा ये है मेजर सेगमेंट। और एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका जो सेक्टर है ना, सेक्टर ये वाला बड़ा वाला, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो फिर अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल में से हम माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर है। अब इन फॉर्मूले को यूज करते हैं हम हमारे कैलकुलेशन में, ठीक है। आप
जल्दी से फॉर्मूले नोट डाउन कीजिए प्लीज। डन, चलिए इसको रख कर दूं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं माइनर सेगमेंट के लिए। अभी अभी हमने कैलकुलेशन अंडरस्टैंड की कि माइनर सेगमेंट अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर और माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब हम जरा फिगर ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन किस तरह से है। देखिए ऐसा एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल पर एक कोड है, हम कोड बना लेते हैं, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस सर्कल की जो ये रेडियस है, इस रेडियस को मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, ये है 10 सेंटीमीटर की, क्लियर। ये रेडियस इस सर्कल पर, ये कोड जो है ना, इस सर्कल पर जो सेंटर है उस पर एंगल बनाती है कितना, राइट एंगल। यानी कि ये कोण रेडियस अगर आप सेंटर पर ऐसे ज्वाइन करके मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, क्लियर है। फाइंड द एरिया, अब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अब हम समझते हैं हमें क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, यस, थीटा अपॉन 360 इंटू यस पाई आर स्क्वायर। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला देखिए, हमारे ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अगर इस ट्राइंगल को मैं फ्लिप करके ऐसे बनाती हूँ तो क्या ये बिल्कुल ऐसे दिखेगी, ऑफकोर्स दिखेगी, जिसमें बेस और हाइट दोनों, ये अगर मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको फ्लिप करके ऐसे रख दिया तो हमारे पास बेस भी 10 और परपेंडिकुलर भी 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फॉर्मूला इस केस में लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बस इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं और कैलकुलेशन जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। सो एरिया इक्वल्स, या पूरा लिख लेते एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपॉन 360। थीटा कितना हुआ, गिवन है 90 बाय 360, है ना, और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेट्स टेक एनीथिंग 3.14 ले लेते हैं, और आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 2 टाइम्स हो गया 10। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में रख दिया। माइनस क्या करना है हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है अभी हमें डिस्कस किया, 10 है, और हाइट भी 10 ही है। चलिए अब इस पार्ट को हम अलग सॉल्व कर दी जाएंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले हम ये वाला पार्ट डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाए, राइट। अब क्या करें, अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, 4 और 3.14 आई थिंक ये डिवाइड हो जाएंगे ना, नहीं पूरे डिवाइड नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 314 से, समवेयर 8850। और डेसिमल कहाँ लगेगी, दो डेसिमल प्लेस है, तीन हमारे लगा देते हैं। माइनस इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें बाद में, यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ। सो माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया दैट इज 28.50, और वी शुड नॉट फॉरगेट मेंशनिंग द सेंटीमीटर स्क्वायर थिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आप इस कैलकुलेशन को जल्दी से नोट कीजिए, इंस्टेंट में चाहती हूँ कि आप इस कैलकुलेशन को अपने आप करके देखिए, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन अपने हाथों से नहीं करेंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी, डू इट ऑन योर ओन। फिर हम करते हैं एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैलकुलेट, विच इज द सेकेंड पार्ट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करें, फॉर्मूला क्या था अभी हमने डिस्कस किया था,
पूरे सर्कल में से हम ये माइनस करेंगे, ये कौन है, माइनर सेगमेंट है, यानी पूरे सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, मैं डायरेक्टली यही पुट कर रही हूँ, 28.50 जस्ट टू सेव सम स्पेस, एंड द फॉर्मूला पाई का वी हैव 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 10 × 10 है ना माइनस 28.50। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डेसिमल रिमूव हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 314 माइनस 28.50। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। Why am I calculating everything in front of you? Just to make you guys sure कि हम कैलकुलेशन ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, है ना।